हेलो गाइस, आज हम ये जैकेट टाइप का भी आप देख रहे हो ब्लाउज, इसका कटिंग करना सीखेंगे। ये पीछे से किस तरह से हाई है, लेकिन इसके शोल्डर पे देखो कितना रिंकल, कितना अल्ट्रेशन है। तो हम उसको देखेंगे किस तरह से कटिंग करेंगे तो ये अल्टर नहीं आएगा। तो हम अपने तरीके से इसको कटिंग करेंगे, इस तरह का जैकेट टाइप का ब्लाउज किस तरह से कटिंग होता है। तो ये दो टाइप में आप कर सकते हो, तो मैं एक टाइप कटिंग करके दूसरा टाइप आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पेपर लेके और सीधा मार्किंग कर देंगे। यहाँ से हम शोल्डर और लेंथ और डार्ट पॉइंट नापेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ नापेंगे, लेंथ जितना भी है उस हिसाब से हमको लेना है। तो लेंथ 16 इंच है, तो 16 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, और डार्ट पॉइंट जो है 11 पे है तो 11 पे लगाएंगे। तो इस तरीके से दो मार्किंग हो जाएगा। तो थोड़ा मार्किंग को थोड़ा लंबा कर लेंगे, तो आइडिया के लिए कर लेंगे कि बराबर दिखाई दे, ठीक है। तो इसके बाद हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हमारा 15 है, 15 हाफ है, तो 15 हाफ के हिसाब से जितना है उससे थोड़ा सा आधा इंच कम करके और मार्किंग करना है, और यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करके उतार देना है शोल्डर, क्योंकि हम हाई नेक कटिंग कर रहे हैं। और इस तरह से वहाँ पे सिर्फ 2 इंच लेना है, अंदर 2 इंच का ब्रॉडिंग देना है नेक का, और वहाँ से हमको इस तरीके से ऐसे डाउन करते हुए आना है, और आधा इंच ऊपर उठा देना है मार्किंग से। तो आधा इंच क्यों उठाएंगे, क्योंकि हाई बनेगा पीछे की तरफ, तो उस हिसाब से करना है। तो इस तरीके से 6 इंच पे हम आर्मोल करेंगे। आर्मोल में कोई डार्ट नहीं लगाने वाले हैं, इसलिए हमने 6 पे लिया है। तो इस तरीके से करके और सीधा मार्किंग करेंगे। यहीं पे हम अपर चेस्ट लेंगे, तो अपर चेस्ट जितना भी है 39 है, तो 39 पे 4 से डिवाइड करेंगे, तो जितना होता है उतने पे निशान लगाना है, यानी 10.25 इंच पे। और आधा इंच हमको डार्ट के लिए जाएगा, और आधा इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे। आधा इंच ही रखना है, क्योंकि टोटल फ्रंट में 1 इंच लूजिंग हमको रखना है, बैक में लूजिंग नहीं देना है। ये टोटल मैं आपको लूजिंग के साथ बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने दो मार्किंग कर लिया है, एक लूजिंग का और एक डार्ट का, जो भी एक्स्ट्रा होने वाला है। इस तरीके से करने के बाद में हम जो है अभी उसका बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो बस्ट का सेंटर जो है 42 इसका चेस्ट है, जो फुल बस्ट है, तो उस हिसाब से 4.25 इंच बनता है। तो लेकिन हम थोड़ा सा कम करके हल्का सा और वहाँ पे निशान लगाएंगे। 4.25 पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कट है, जो कट आप देख रहे हो उसमें कर सकते हो। और नीचे 0.25 इंच माइनस करके हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, और इस तरीके से नेक का शेप देंगे। इस तरह का शेप देना है तो इस तरह दे सकते हो, अगर फोटो के हिसाब से देना है तो थोड़ा और इधर आके, जैसे नेक के तरफ मैंने जो सेंटर की तरफ जो थोड़ा सा राउंड किया है वो कम करके कर सकते हैं। तो एक मार्किंग मैंने ऐसे दिखा दिया, इस तरह करोगे ये भी बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आपको चेंज करना है तो थोड़ा चेंज करके कर सकते हो फोटो के हिसाब से, तो फोटो का थोड़ा अलग दिखता है। इस तरह हम 1/4 इंच थोड़ा नीचे की तरफ ऐसा उतार देंगे, ताकि हम ये जब जॉइंट करेंगे डार्ट मारेंगे तो वहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए पॉइंट, हो तो गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए, जिस तरह हम प्रिंसेस कट में करते हैं उस तरह का हमको थोड़ा 0.5 इंच नीचे उतार लेना है। इस तरह से शेप दे देना है, प्रिंसेस कट के जैसा ही शेप है, लेकिन थोड़ा कम है। प्रिंसेस कट के जैसा बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो थोड़ा ठीक नहीं दिखेगा ये। इस तरीके से वहाँ का डार्ट जितना हो रहा है लेंथ डार्ट का, उतना ही लेंथ हमको ये साइड भी ले लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी देखिए, हमारा जो शोल्डर है 7.5 इंच लिया था हमने, 7 इंच पे लेना है। देखिए किस तरह से मैंने किया, 0.25 इंच के करीब कम करके लेना है। तो इस तरीके से आप कम करके लेना, क्योंकि ये हमने शोल्डर में डार्ट नहीं लगा रहे, इसलिए शेप इसमें ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा आएगा इसलिए इसमें ज़्यादा आता है, और थोड़ा ये वो नेक की तरफ से ब्रॉडिंग और हो जाएगा ये खुलेगा, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो इस तरीके से शेप कर लो, अगर ज़्यादा लगता है तो आप कम ज़्यादा बाद में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक नापेंगे, नेक का मेजरमेंट तो हमको नहीं आया था, लेकिन हमने अंदाज से ही लगा लिया है, और इस तरीके से हम करके शेप कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, ब्लाउज जैसा फोटो में है उस टाइप का दिखता है, लेकिन हमको वहाँ पे अभी डार्ट करना है। डार्ट करना है तो थोड़ा सा हमको डार्ट यहाँ मिल रहा है, लेकिन उस शेप को चेंज करेंगे तो बड़ा डार्ट मिल जाएगा। जैसा फोटो में दिखता है वैसा करेंगे तो बड़ा डार्ट मिल जाएगा। तो थोड़ा हमको अभी शेप को कम कर लेना है ऊपर वाला, और उस तरह से ऊपर का शेप कम करके हम करेंगे तो बराबर डार्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है और थोड़ा फैलेगा भी, तो इस तरीके से छोटा भले दिख रहा है लेकिन पहनने में ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेंगे तो अच्छा डार्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप कर लेना, तो फोटो जैसा जो जैसा है वैसा सेम टू सेम दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह का ये मार्किंग हो गया। अभी हम क्या करेंगे, साइड निकालेंगे और हम जो है नीचे का जो वेस्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, एक डार्ट हमको निकालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि नहीं डार्ट निकालेंगे तो ये नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से साइड में एक डार्ट निकालेंगे, कम से कम हमको 1.25 इंच का तो निकालना ही पड़ेगा। तो 1 इंच एक सूत का मैंने यहाँ रखा है, लेकिन साइड में जाकर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नाप के और यहाँ पर डार्ट कर लेंगे। तो डार्ट का निशान लगाने के बाद में अब हम इसका क्या करेंगे, साइड निकालेंगे। तो साइड हम किस तरह निकालेंगे वो दिखाते हैं। पहले एक मार्किंग कर लेंगे इधर, और इस तरह से जो भी लेंथ है हमारा उसमें से 1 इंच माइनस कर लेंगे इधर,
जो भी लेंथ है 16 इंच है, तो नीचे का जो अंदर का सेंटर पॉइंट है वहाँ से 1 इंच माइनस करेंगे, और उसके बाद में हम ये जो भी लेंथ में हम कम करते हैं, जैसे 1.5 इंच माइनस करते हैं, वो 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा जो है बराबर जो है निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से 1.5 इंच करना है जो हमने सेंटर पॉइंट लगाया वहाँ से, तो जितना भी है वहाँ से 1.5 इंच माइनस कर लेना है, ठीक है। उस तरह माइनस करके एक सीधा निशान लगा देंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से निशान लगाएंगे और उसके बाद हम साइड को करेंगे तो बराबर हो जाएगा। आपको साइड में थोड़ा लंबा चाहिए और सेंटर में थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो आप थोड़ा और भी बढ़ा के 1 इंच के करीब बढ़ा लो पूरा, और सीधा यहाँ से शेप देके और 20 सेंटर होता है जो वेस्ट का सेंटर होता है सेंटर में, वहाँ आप ऊपर कर सकते हो, तो स्टाइल अलग हो जाएगा। तो मैंने वैसा नहीं किया, फ़ोटो में थोड़ा दिखता है, मैंने वैसा नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह से सीधा हम निशान लगा लेंगे, तो जो भी हमने वेस्ट उधर नापा था उस हिसाब से 35 वेस्ट है, 3.25 था, तो उसको माइनस करके इस तरफ हम लगा लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमको क्या करना है कि अभी ये सीधा करना है, तो थोड़ा सीधा रख सकते हो, हल्का सा राउंड हल्का करके आप कर सकते हो। तो इस तरीके से करोगे तो एकदम से स्ट्रेट आएगा, ये स्ट्रेट के लिए बता रहा हूँ मैं। अभी देखिए हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है, अब हम कटिंग करके देख लेते हैं कि किस तरह से आता है ये। तो इस तरीके से आप करके कटिंग करके ट्राई करके देखो किस तरह से होता है। तो इस तरह का है, आप इसको जैकेट जैसा भी बना सकते हो, अंदर का पूरा ट्यूब जैसा करके आप आर्मोल तक जाके और पूरा जो है ऊपर से ये ओवरलैपिंग अलग से फ्री छोड़ के आप बना सकते हो, तो एकदम जैकेट जैसा दिखाई देगा। टाका थोड़ा दूर से लगाना है, सिलाई एकदम चिपका के नहीं मारना पड़ेगा, और वो अलग से लगेगा, 2 पीस पहना हुआ है, तो आप इसको उस टाइप का भी कर सकते हो। ये अंदर का जो अभी मैंने सेंटर का पार्ट ये काटा है, इसको आप पूरा जो है ट्यूब की तरह अंदर तक कटिंग कर सकते हो, यानी एक पार्ट प्रिंसेस कट का और कटिंग करके आप पूरा जॉइंट साइड में करोगे तो ये अलग ही लुक दिखाई देगा, मतलब कि एकदम से अलग से जैकेट जैसा दिखाई देगा। जैकेट कैसा, अलग से एक फ्लैप जैसा होता है, उस तरह का दिखाई देगा ये पार्ट, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब ये 3 पार्ट में हो जाएगा। और इस तरह से ज्वाइंट करके करना है तो आप ज्वाइंट करके कर लो जिस तरह से इमेज में दिखता है। तो आपको ये 2 ऑप्शन है इसमें करने का, तो जो भी चाहिए आप कर सकते हो, तो वो भी अच्छा दिखेगा और ये भी अच्छा दिखेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा वो जैकेट जैसा रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। जैसा एम्ब्रॉयडरी वगैरह करा के कराएंगे तो एकदम से बेहतरीन होगा। तो इस तरीके से अभी शोल्डर नापेंगे हम इसका, बैक का, तो जितना शोल्डर है उतना ही लेना है, इसमें कम नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से रखना है, और रखने के बाद में हमको शोल्डर 1/2 इंच बढ़ा के इस पर लेना है ऊपर की तरफ, तब हम ये कटिंग करेंगे, 1/2 इंच बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से पहले एक सीधा मार्किंग कर लेंगे आर्मोल के लिए, तो आर्मोल का नहीं है, शोल्डर का नाप है, तो जितना शोल्डर है उतना ले लेंगे, इसमें माइनस बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा चल जाएगा, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा रहेगा तो क्या पीछे से आगे की तरफ थोड़ा गिरेगा तो बराबर हो जाता है। तो 1/2 इंच ऐसा बढ़ा लेना है, और बढ़ा के आपको सेम शेप पे लेके जाना है और वहाँ पे ला के मिला देना है, ये दोनों का जॉइंट बराबर दिखना चाहिए। और उस हिसाब से बैक में हम इस तरह से हल्का सा नीचे उतार के इस तरह से कव मार देंगे, इस तरह से शेप देंगे हल्का सा, स्ट्रेट भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हल्का मारोगे तो पीछे गले में अच्छे से बैठेगा। और इस तरह से इसको झुका लेना है, और झुकाने के बाद में आपको यहाँ पे निशान मार लेना है। तो ये आर्मोल का हमारा लेंथ निकल गया, अभी हमको साइड का इस तरह से निकाल के मिला के डार्ट को क्लोज करके इस तरह से हमको लेंथ निकालना है बैक का। तो इस तरीके से बैक का भी लेंथ निकल गया, तो इस तरीके से निकाल लेंगे तो एकदम से बराबर हमारा हो गया। अब क्या करेंगे कि हम जो है इसको मार्किंग चेक करेंगे चेस्ट वगैरह कि कितना है, तो जितना अपर चेस्ट है उतना ही रखना है। तो हमारा 39 है, तो 39 के हिसाब से 10.25 इंच पे रखना है। तो 10.25 इंच पे जब हो जाएगा तो उस पर मार्किंग करना है, बैक से कोई लूजिंग नहीं देना है, फ्रंट से लूजिंग हमने 1 इंच का दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बंद गला है, तो इस तरीके से आपको 1 इंच ही लूजिंग देना है, ज़्यादा नहीं देना है। अगर फिर भी लगता है टाइट है तो आप और थोड़ा सा कर सकते हो, टोटल में कर सकते हो, कोई बात नहीं है, साइड मारने के बाद आप कम कर सकते हो। इस तरीके से हम बैक का नापेंगे, तो जो भी हमारा 35 होता है उतने पे लगा के 4 से डिवाइड करके इस तरीके से एक एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे, 1/2 इंच के करीब, 1 इंच के करीब भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा शेप नहीं करना है क्योंकि वेस्ट इनका बड़ा है, तो उस हिसाब से 1/2 इंच बहुत है, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम कटिंग कर लेंगे। तो अगर बैग में डिजाइन देना है तो इसमें कट भी कर सकते हो बैग में, जैसे कि ड्रॉप शेप वगैरह होता है नेक का, बंद गले का, तो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत हाई है तो इसमें इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप देख लेना क्या करना है। तो उस हिसाब से इस तरह से डार्ट को हम कटिंग कर लेंगे, इस तरह से मिला के जो भी है हम इसको सेट कर लेंगे। तो बैग से सेंटर हमको लो नहीं करना है, ऊपर नहीं करना है, ऊपर कटिंग नहीं करना है, थोड़ा नीचे की तरफ झुका के ही रखना है, ताकि बैग ये खींचेगा, तो ये बंद गलों में बैग खींचता है ऊपर की तरफ तो प्रॉब्लम होता है। तो आपको इस तरह से थोड़ा नीचे की तरफ हल्का सा 1/2 इंच झुका के रखना है, झुकाने के बाद में इस तरह से कटिंग करना है, तो ये बराबर आता है।
ठीक है। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा, इस तरह से थोड़ा हाई हो जाएगा और पीछे से हाई जैसा दिखेगा। आप इमेज देख रहे हो उसके आर्मोल में बहुत सारे रिंकल हैं, आप इस तरह से बनाओ कोई रिंकल नहीं आएगा। इस तरह से नेक चाहिए तो आप ड्रॉप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बंद गले में ऐसा ड्रॉप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायमंड से भी कर सकते हो, ड्रॉप से भी कर सकते हो। तो इस तरह करेंगे तो थोड़ा सा ये गले पे चढ़ेगा और इस तरह से अच्छा दिखाई देगा एकदम। तो ये सेम टू सेम दिखाई देगा फोटो के, लेकिन फ़ोटो में थोड़ा अल्टर दिखता है, वो नहीं दिखेगा इसमें। अब आर्मोल हम नाप के देखते हैं कितना है। आर्मोल तो मेजरमेंट नहीं मिला है, लेकिन मैंने 17.5-18 के हिसाब से कटिंग किया है। तो इस तरह से नापेंगे और इस तरीके से चेक करेंगे कि कितना इंच आ रहा है। तो देखिए 18 इंच आ रहा है, तो 18 इंच है तो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नाप के हिसाब से 18 इंच ठीक है। अब इसके बाद हम स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो स्लीव्स कटिंग करने का तरीका जो है देखा है आपने, तो इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में, लेकिन इसमें उन्होंने मेजरमेंट दिया है सिर्फ 11 इंच दिया है, 11 इंच सिर्फ लेंथ दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो उस हिसाब से मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे इसको कटिंग करना है। तो आर्मोल जितना हमारा है उतना रख के एक सूत बढ़ाना है उधर से, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, यानी 9 इंच एक सूत पे हमको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद में थोड़ा डाउन करके, और जो भी मोरी रखना है 12 रखना है 11.5 रखना है, तो इस तरह से रख लेना है। क्योंकि मेजरमेंट इसका मेरे पास नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इस तरीके से हमको सेप लगाना है। अब देखिए इस तरह से मार्किंग करके इस तरह से क्रॉस निशान लगा लेना है। इस तरह से सीधा हम मार्किंग कर लेंगे और ये जो हम नापेंगे तो देखिए 14.5 हमारा इनका बाइसेस आता है, तो इतना ही होगा उनका, मतलब आर्म्स जो होता है वो 14.5 है। तो इस तरीके से 14.5 होगा तो उनको ये बराबर आएगा। अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, बढ़ाना क्या है ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो उसका जो मैंने डाउन किया है ऊपर से वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कटिंग होता है, आर्म्स के हिसाब से कटिंग होता है, तो अपनी जगह पर बराबर बैठता है। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। और जो भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, मैंने फ़ोन नंबर डाल के रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, आप जो है चेक कर लेना। और यहाँ पे जो भी हमको जो भी आपको अलग अलग वीडियो चाहिए आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और जो नहीं समझ में आता है, जो आपको नहीं अभी तक मिला है, जो भी पैटर्न नहीं मिला है वो मुझे भेजो, मैं करके दूंगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं।